बोला है, तुम काय को चिल्ला रहे हो? ओए, तू बस सेक्रेटरी है, थोड़े से पैसों के लिए इनकी चक्कागिरी कर रहा है, अपने फायदे के लिए इनको लटकाएगा। ए, समझता नहीं है क्या? हालांकि पे बिल्डिंग बनने वाली है और तू धोबी घर के लिए बना ए, ये औरतें 20 सालों से यही करती आ रही है, काम करने की जगह नहीं होगी तो कहां जाएंगी? हां भाई आगे चलो, सोचा था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके सामने ज्यादा बोला मत, समझी? ये तो देख लेना। तुम लोग डर क्यों रहे हो? डर किस बात का? हम धरना दे रहे ना, शुरू हो जाओ। हमारा काम हमारा है। चलो सर, मैं पीछे पीछे धोते हैं कपड़े हम। फोकट में दिया रे, तुझे पापा चाहिए थारा भी, बाप का है, पापा चाहिए तुझे थारा भी। भाई देखो, एक को घर दे रहे हो दूसरे को नहीं, ऐसा मत भेद वाला काम मत करो भाई। प्योर मुंबई योजना के नाम से सिर्फ स्लम तोड़ देने से पूरा इंडिया साफ हो जाएगा क्या? सबसे पूछ कर फैसला लो। अपने यार का बेटा है ना, तेरा लाइन की फीट में क्या काम है? ये पार्टी का प्रोजेक्ट है। ये देखो, मच मच किया ना, अपने लोगों को लेकर चला जाए, समझा? अपना बच्चा ये भी नहीं देखोगे? चल चल निकल सर, काम काम शाम तक ही काम। तेरी गुंडागर्दी से मैं नहीं डरने वाली, मराठी मुलगे भी इतने सराते। तुम सबको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जगह खाली कर दो, समझे? क्या बात है रे, बहुत उछल रहा है, बिल्डर की फेंकी हड्डी पर पूछ ही लाने वाला ही है ना। तोड़ दिया ना, मैं भी देखता हूँ तेरी दादागिरी का क्या होता है। तू यहीं पे खड़े रहना, मैं उसे लेकर आता हूँ।
ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लाठी चार्ज करवा दूंगा। हाँ तो करना, हाथ तो लगा के दिखा। संतोष, अरे आना देखते हैं। मंडवली कर लेते हैं सीट, सारा इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दिया है सीट। अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा सीट। प्लीज सीट, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा सीट। क्या बात है, कीचड़ भी झड़ते ही शेर भी घास खाने लगा। हमें देखकर क्या लग रहा है कि हम यहाँ बीज बचाव करने बैठे हैं? तुम लोगों को ना पेट फूटेगी। इतना बड़ा कांड ये लोग काला को बताए बगैर कर रहे हैं, यानी जरूर इसमें झोला है। यहाँ के 300 परिवारों का काम फूट जाएगा और उनमें से 200 को घर नहीं मिलेगा। साले मक्का। ये लो, आ गए विष्णु भाई। क्या रे, तेरे को देख के डर से हम घबरा कर भाग जाएंगे सोचा तूने? अरे भाई, आप यहाँ होगे पता होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों भाई। मुझे लगा बच्चा है, सब जोश में कर बैठा है। मैं अभी पार्टी में थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा हूँ भाई। ये करवा दूंगा तो अगले एमएलए इलेक्शन में टिकट पक्की है। अब आपको ही सब देखना है। जो भी हो, मैं छोटा भाई हूँ ना। अरे सीट मिल रही है तो हमारी याद आ गई। रिश्ता बना रहा है, तेरे को पार्टी में आगे बढ़ना है इसलिए आग लगा रहा है, सलाम ठोक रहा है। अरे हाँ, राजनीति में आते ही शर्म आया बेच खाता है। शर्म लोग कहीं के। ओ वाली, अपनों के बीच में इसने उछल रहा है, किससे क्या बात कर रही है सोच के बोल। ओए चुपचाप खड़े रहे। ए बिल्डर, सिर्फ तू ही बात करेगा। जाने दो भाई, प्रॉब्लम मत करो, थोड़ी देर चुप रहो भाई। काला से ये लोग हमको भगाना चाहते हैं। गंदे कपड़े धोने के अलावा हमको क्या आता है? ये जगह छोड़ने को कहेंगे तो हम किधर जाएंगे? हम लाचार हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ये झूठ बोल रही है, सबसे पूछकर ही काम शुरू किया, तूने भी तो साइन किया है। ये सब होगा, ये कहाँ बताया था? ये सब परमिशन लेकर प्रोसीजर फॉलो करके कानूनी तरीके से हो रहा है। हमें कानून मत सिखा, हमें कानून मानना भी आता है, अत्याचार होने पर उस लगाना भी। तुम लोगों ने हमें इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि कुछ कानून हम जैसे गरीबों के लिए भी बने हैं, वरना सात समंदर पार फेंक नहीं दिया होता हमें। अब सुन, अगर चाहता है कि तेरा काम हो तो यहाँ जो तोड़ फोड़ की है उसे ठीक करके डिजाइन बदल। कपड़े धोना इनका काम है, ये यही कपड़े धोएंगे। ताई जो बोली वही कानून है, समझा? समझ लेना। ए, भाई ने बोल दिया, बाकी कुछ बोलना है? नहीं सर। भाई आपने जो कहा वो तो करना ही पड़ेगा। ए बिल्डर, सुन लिया ना? तो फिर मैं चलता हूँ भाई। पाटिल चलो निकलते हैं। ए भीम जी। काला, कौन था भे? इसने मारा। अच्छा ये आ जाए। देवी तेरी बारी। माँ तुम चुप क्यों खड़ी हो? दो कान के नीचे मारो इसे। भाई उसने ऐसी बात की इसलिए। दीदी उनकी बातें सुनकर तुम कुछ कर मत देना। जीजू ये खाली न्याय का झंडा पकड़ सकते हैं, लड़ने का दम नहीं है। ये हुई ना बात, झंडा उठाना भी आता है और पलट कर मारना भी। पुनः हाथ लाओ शीता, पुनः मारी मी। तू किसको खबर दिखा रही है? रुक, मार खाने को ना। सब तेरी वजह से हुआ है और अब से मार खाऊंगा ऐसा खुद तो समझाए क्या? तेरी किस पर हाथ उठा रहा है? किस पर? जाति धर्म भाषा सबको साथ मिलाकर ये जो छोटा इंडिया जैसा धारा भी है उसके राजा है ये, इकलौते राजा है ये। ये ऑर्डर देंगे और चुपचाप चुपचाप मानेंगे, समझा? हम इस एरिया में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। सालों से यहाँ आपका झंडा ऊंचा, ये नहीं जानता भाई, नहीं जानता। लेकिन झंडा पुराना होगा तो उतारना पड़ेगा ना। इलेक्शन होने दे, तब देख लेंगे, नया झंडा फहराएंगे। चश्मा ढूंढ रहा क्या? देख नीचे गिरा है। हरी दादा सब देख रहे हैं काला भाई। जा जा चल निकल। जीजू तुम्हारी फतेह को फेसबुक पे डाल रहा हूँ। जवानी में तो हर जगह झगड़े करता रहता था, लेकिन अब बुढ़ापे में तो ना ही कुत्तों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन नहीं, पॉम्पे वाला बता के मेरी शादी करा दी, अब झेलना तो मेरे को ही पड़ रहा है ना। सासू माँ ये मुंबई है। ए तू वो सब छोड़, तू इधर देख, नमक ज्यादा डाल दिया इसमें, थोड़ा इमली का पानी मिला, तेरे ससुर को पसंद नहीं आएगा। हाँ जैसे आपको ही सब बनाना आता है। सारी दुनिया का झगड़ा लेकर आता है। बोलो
राजी है मकान पर मालिक को, तो इसको क्या पड़ी है जो वहाँ लफड़ा करने को गया? माँ, ये कोई नया थोड़ी जो इतना चिल्ला रही हो। इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ए सुन, जो भी है अपने बाप से बात कर। उनसे बात नहीं कर सकता, इसलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे तू मेरे को एक बात का जवाब दे, तू भी तो यही पला बड़ा है, हा? ये सब काम धंधा तेरे को यही से तो मिला है। अब धारावी का नाम लेते ही मुँह क्यों सड़ा रहा है? तेरे को बीवी ने सिखाया? धारावी मेरे तक ही रहने दो, मेरे बच्चों को नहीं चाहिए। वो सब रहने दे, पहले अपने बीवी को हिंदी सिखा देने को मना कर। तू आज भी तुम्हें आया और कोई काम ही नहीं है। ससुर जी भी हमेशा लड़ते ही रहते हैं। लड़ ले कब तक लड़ेगा, मैं भी देखती है। घर आके भी इसको कुछ पड़ी नहीं है देखो। सुन, कम से कम मैं तो उसको बड़े का मांस और उसकी पूंछ का सूप बना कर देती है, पर तू इसको क्या खिलाएगी? इसको तो वेजिटेरियन मत। सासू माँ, उसे वेजिटेरियन नहीं कहते, वेजिटेरियन। हाँ हाँ वही, मैं वेजिटेरियन ही बोल सकती है। तेरे को क्या तू मेरे बेटे से क्यों गुस्सा दिखा रही है? बड़ी आई गलती निकालने वाली, घोड़े जैसी हो गई। हाँ तेरे पास बहुत अकल है तो थोड़ा दे दे इसको। ए बच्चों, झगड़ा किए बिना खेलने का। ये नोट यहाँ क्यों पहले पड़े रहे? किधर? इस पर तो पैसे का भूत सवार रहता है। कुछ नहीं है माँ। हाँ बोलो दीदी। अगर दोस्त हो तो क्या भला क्या बुरा ये सिखा उसको, उल्टा तुम तो उसको और चढ़ाते रहते हो। सुनो पूरा पूरा के बैठ जाओ। अब क्या हुआ? अरे बैठ बोलती ना मैं। सबकी आँख तेरे पे रहती है, हर कोई बोलता है कला ये बोला कला वो किया, लोगों की नजर लगती है। सुन, नजर पूरी होती है दीदी। इतनी गालियाँ देकर नजर उतारना भी एक कला है। उतारो उतारो। तुम क्यों खड़े रहो? अरे अरे वो देखो, अब क्या हुआ? हमारा क्रांतिकारी आ रहा है। आओ भांजे आओ। सुना है तुम कपड़े बहुत अच्छे धोते हो, ये देखो फेसबुक पर तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है? हाँ तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पिट कर आने वाले को क्या नजर लगेगी? मैं हार नहीं मानने वाला, हक के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। देखा मैंने लड़ते हुए, तुम्हारा पति नहीं आया होता तो हम जीत जाते। हाँ क्रांति हो जाती। बड़ा आया जीतने वाला। तूने मेरा दूध पिया है, मैं नहीं पहचानती तेरे को। मेरा पति काला बिल्ला है समझा? अगर ये नहीं गया होता तो वो लोग तेरे ही सर पे कपड़े धो देते है ना वाली अप्पा। माफ करो दीदी, तुम्हारे बीच में मैं नहीं आने वाला। नहीं तो भांजा तूफानी के साथ मेरे दरवाजे पर धरना दे देगा। क्यों जीजू, मजा ले रहे हो? ए तूफानी तू चुप कर, इनको करके दिखाएंगे तब ये मानेंगे। हाँ मजाक करियो, तुम मुंह फुला कर जा रहे हो, बैठो यहाँ। तू भी आके जोड़े में बैठ जा। अब इतना भी सास ससुर के सामने शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ ना तो कितना शर्माना है, सर झुकाकर नजर नीचे करके खड़ी रहूं। हाँ काला, तुम्हारी बीवी बहुत बोलती है। अरे ताई, मेरी बीवी तेरे से ज्यादा नहीं बोलती। ये बोल के नहीं जाना है, ये बस इकड़े आकर बैठ जा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? किसने मारा? कौन कौन, किसने मारा, किसने मारा तुझे बेटा? क्या रे क्या हुआ, किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। फिर तो ठीक है, चलो कोई झगड़ा ही नहीं अब। ठीक है ठीक है ठीक है, पूरी नजर मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। एक हजार क्या काला, तेरी नजर उतारी जा रही है। बाहर झगड़ा और घर में रोमांस। हाँ बे, मेरी बीवी है, जैसे चाहे रोमांस करो, कौन रोकेगा मुझे? अच्छा बुढ़ापे में लगे रहो लगे रहो। ऐसी कौन सी उम्र हो गई हमारी, उम्र होने पर प्यार बढ़ता है क्यों जी? अब तो बोल ले, चाहे तो ड्यूट गाकर डांस भी करेंगे। ए, तुम लोग गाओ, जवान जोड़ी डांस करे। मैंने तो ऐसे ही बोला, तू तो सीरियस हो गया। आना डांस करते हैं। अभी तो मचा देंगे, मत फैला के उड़ जाएगी। कोई बीच में टोका उसका नाम उड़ीसा मिटा देंगे। नल
के कनेक्शन के लिए पैसे भरे 6 महीने हो गए। प्रूफ ये वो करके इधर उधर दौड़ा रहे हैं। गोली मारा कुमार वाला बहुत बहुत पिला है। यहाँ सभी एरिया तो काला का किला है। नमस्कार सलाम वालेकुम। किसी भी हालत में यूनाइटेड रहते हम। सब के बारे में तेरी सोच बदल दे। आज आके अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ चढ़ ले। जो बड़ा घर में भी रहते हम शान से। किचन भरे रस्ते से भी चलते सीना तान के। साथ दे दे बुरे और अच्छे वक्त में। लाते के करेगा तो बातें या गलत पे। हाथ छोड़े गुलाम बनकर मत रहे। आप उम्मीद की सीढ़ी चढ़कर ऊपर कर दे अपना सपना सच। तारावीर अपना एरिया या मसाला सेट है। उससे बढ़कर कौन है यार। या वर्षी होणार महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका दिनांक 15 मे रोजी होणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे। माला का सीट इससे बच के। जब तेरे इरादे ना होने एक माता टेक। त्याच्या संगे माझे नापू श्रीट उल्ला चातुर दे दिल तुला आपू। इस शेर के बीच में रेते दबके। जग में गले रोज जीते मर के। दुश्मनों को भी हाथ बढ़ा दे। गद्दारी की तो हम हार बढ़ा दे। सारी पार्टियों को बार बार वोट देकर हमने सेंटर और स्टेट में जिनको यहाँ से भेजा उन्होंने हमारे लिए क्या किया। क्या इस बच्ची को शिक्षा मिल पाएगी। बोलो 70 साल से हमने शौचालय साफ करने के अलावा क्या किया। रहना सबसे जरूरी है। एकता की शक्ति ना तो बाकी मजबूरी है। कोशिश कर ले ना पिछड़ दे। दुष्टता को नष्ट कर दे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नव भारत राष्ट्रवादी पार्टी ने पिछली बार से भी कई ज्यादा सीटों पर जीत कर फिर से सरकार बनाई है। भले ही मुंबई के लगभग सभी सीटों से इस पार्टी ने जीत हासिल की हो लेकिन धारावी में हुई बुरी हार से पार्टी को सदमा पहुँचा। विधानसभा की जीत की खुशी मनाएं या धारावी के हार का गम। ये हरी दादा के सर का दर्द बना हुआ है। कचरा और गंदगी ने आज मुझे हरा दिया। मौत के सवाल है ये हार। आसान काम को तुमने मुश्किल में बदल दिया। खामखा खैर गिर के उठने में भी मजा है। जीतने के और भी तरीके हैं। जी देखो शुरू कर दिया इसने। क्या खबर है मामा। पूरी धारावी में बिल्डिंग बनने वाली है। न्यूज आ गई है फिर मंसामी। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। अब से यहाँ पर यही न्यूज चला करेगी। चलो लाइन बना दो। चलो
अरे मेरी बेटी, तू 100 साल जिए मेरी बच्ची, 100 साल जिए। ये देखिए, जो हमारे सामने बैठी है ना, वो है सेरिना मैडम। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े प्राइज जीते हैं। अफ्रीकन देशों में स्लम्स में रहने वालों की अच्छी और बेहतर जिंदगी के लिए हजारों के हिसाब से बिल्डिंग्स बनवाए हैं। ये हमारी धारावी में आई है। उसकी असली वजह है हमारे पेरुमल स्वामी। दादा का कहना है हमारा अच्छा समय चल रहा है, हमें सबसे पहले उस टेंडर का कोटेशन रेडी करना होगा। मतलब हमें यहाँ जिन चीजों की जरूरत है वो सब हम उस कोटेशन के साथ भेज देंगे। अगर वो गवर्नमेंट को पसंद आया तो वो टेंडर हमें ही देंगे, ये तय है, है ना? सही है। अब हमें एक एक करके बताओ क्या क्या चाहिए। अगर सवेरे जल्दी सरदास जाओ तो भी चैन से हल्के नहीं होने देते, ठक ठक करते रहते। इसीलिए सबसे पहले हमें इस पब्लिक टॉयलेट से छुटकारा पाना। हर घर में एक टॉयलेट आ गया तो अच्छा तो होगा, लेकिन फिर लाइन कैसे मारेंगे? मैं अपने आदमी को सबसे पहले उधर ही देखी, घर वाले बाहर जाने नहीं देते। जब भी मैं बाहर जाती उधर ही टॉयलेट के पास मिल लेती थी। अभी भी जाती हो? चलत। और क्या क्या चाहिए बोलो। दीदी हमको मैदान चाहिए खेलने के लिए। दीदी हमें पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए। अपुन को जिम मांगता है, हॉस्पिटल, अच्छे रोड और पीने का साफ पानी चाहिए। यहाँ मियाँ बीवी को कमरे में बैठकर बात करने की जगह भी नहीं मिलती। हाथ पकड़ने के लिए भी उल्लू की तरह आधी रात तक जागना पड़ता है। और चुम्मी भूल ही जाओ। हाँ हाँ दीदी, तुम तो अपनी परेशानी ही बताओगी। इतने छोटे से घर में जवान लड़कियाँ भी रहती है, पता है कितनी शर्म आती है हमें। मरते दम तक पैर फैलाकर सो सके ऐसा एक घर चाहिए बस। ओ भाई, कॉलेज में पढ़ने वाले बोलते हैं कि धारावी मतलब कचड़ा और कीचड़े, पहले अपना धारावी का नाम बदलो। अरे हाँ पंडा, अपने धारावी का नाम लेते ही पुलिस वाला अंदर कर देता है। अपने गणेश मंदिर को और भी बड़ा करना होगा, वही तो हमारी पहचान है। और दरगाह का क्या, कितने तमिल मुस्लिम भाइयों ने मिलकर उसे बनाया है, उसे भी बड़ा करना होगा। भाई क्रॉस रोड 90 फीट कल्याण पॉइंटी जात जात से बटे हुए अपने लोग एक होना चाहिए भाई। प्लीज अ फ्यू वर्ड्स मैम। नमस्कार, मैं धारावी में ही पली बड़ी। यहाँ भीमा चौथ है ना, वही हम लोग रहते हैं। तमिल मुस्लिम है। 70s में एक दंगा हुआ था, तभी हम लोग चले गए। पूरी दुनिया घूम के आई। ब्राजील में रियो ओलंपिक्स हुए थे, वहां पहले बहुत बड़े बड़े स्लम्स थे। मैं वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी मैं जहाँ से हूँ वो जगह भी तो ऐसी है। मगर धारावी आ नहीं पाई। मैंने कई बार सोचा कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अपनी धारावी को हमें मिलके ही बदलना होगा। धारावी जब कचरा पेटी थी तब तो किसी ने झांक कर भी नहीं देखा, अब सिटी का सेंटर हो गया है तो सबकी आंखों में छुपने लगा है। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ आ रहे हैं, हमें संभल कर रहना होगा। अगर हम एक रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्ते। सामने आएगा उसे एक पड़ेगी। चलो चलता हूँ बहन, चाय अच्छी थी। जीजू, जागरण युवा संगठन के साथ एक नया ग्रुप बन गया, तुम्हें पता है ना? बाबा, धारावी में बनने वाली हर एक बिल्डिंग में पेरुमल स्वामी दो दो फ्लैट लेते हैं। और देखो, इन लोगों को पता भी नहीं, हमसे अगर पूछ सकते थे ना। अरे भवानी सोई नहीं? अभी जा रही हूँ। जीजू यहाँ तो मिल बटा सन्नाटा है। हाँ यार। अरे जीजू, पूछ रही है, बोलो ना। ये हुई ना बात,
तुम्हारा नाम लेने की हिम्मत सिर्फ जरीना में है। मेरी दीदी सेल्वी भी तुम्हें काला ही बोलती है ना दीदी? कब आई? कुछ खाना भी ना खाया कि नहीं? सब ठीक है ना? क्या हो? क्यों जीजू लड़खड़ा क्यों रहे हो? आराम से आराम से। कॉफी 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 लेकर। कॉफी दीदी ए चल चलो अंदर तुम भी आओ। ठीक है दीदी। नहीं चलो सब लोग अंदर चलो, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। अब तो दीदी ने भी कह दिया। चलो नहीं आजा गाड़ी वाड़ी साफ कर। दीदी मेरे लिए भी एक कॉफी बनाना। दीदी तो बातचीत शुरू कर दो। चलो अंदर अंदर चलो जा जा के क्या देखो। यहीं पर रहने वाली हो क्या? क्यों मुझे वापस भेज रहे क्या? I'm going to be here. धारावी में ही मेरा काम है। टेंडर के लिए बिल्डर से मिलना है। I need your help. अच्छा काम हो तो मैं हमेशा साथ हूँ। अरे हाँ लेनिन तुम्हारे साथ है ना? लेनिन बहुत सपोर्टिव है, अच्छी परवरिश की है, बहुत एक्टिव ब्रेव तुम्हारी तरह। साफ करके लोगों को घर बनाते हुए देखता रहता और जैसे ही घर बना वो उनको हटाने लगता। वीर सेवेंगे या छोड़ा नहीं, बाहर से आए हर आदमी ने उनका साथ दिया। फसल काटने वाले को हसिया उठाने के लिए कहना पड़ता है। अरे दादा कुछ नहीं कर पाया,
रवि को अपनी मुट्ठी में रखा देंगे, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। इमरजेंसी लगा दी, उसी के आड़ में पुलिस लेकर आ गया हरी दादा। जान बचाने के लिए काला और वेंगे दोनों अयूब के घर में घुस गए। आज की तरह उस समय बिजली नहीं थी। उस अंधेरे में एक लालटेन लेकर काला के सामने जब खड़ी हुई जरीना, तो वाह 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 वाह, मेरा दोस्त चारों खाने चित। मतलब देखते ही आके फटी के फटी रह गई होंगी। एकदम फटी की फटी रह गई। दीदी, अरे उस समय SIWS जूनियर कॉलेज में ओपन ही हुआ था। मेरा कॉलेज बालवाड़ी चौल में पानी भरते समय गणेश मंदिर के टॉयलेट के पास, और वो रोड़ा थे ना। उसके पीछे दीवारों की तरह घूमता था। भीमा चौल के अयूब की बेटी मुझसे प्यार करती है, ये बात फैल चुकी थी। और एक दिन बाद घर तक पहुंच गई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे पेरेंट्स रिश्तेदार हमारे प्यार के लिए इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। और करिकालन के साथ मेरी लाइफ इतनी आसानी से शुरू होने वाली है, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। हमारा निकाह फिक्स हो गया था। लेकिन इस धारावी पर अपना कब्जा करने के लिए ये है ना हरी दादा, कैसे भी करके वेंगैया का खून करने की कोशिश में था, और मौका देख करके काला की शादी में घुस गया। जो इंसान उसे दिखाई दिया उसे काट डाला। अब क्या करें, कैसे रोके, हमारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। काला की आंखों के सामने हरी दादा ने वेंगैया को भी काट डाला। शादी का मंडप जलकर राख हो गया। उस आदमी हमेशा के लिए जुदा हो गए अपने काला और जरीना मैडम, और हमारा सपना टूट गया। करिकालन के साथ क्या हुआ ये जानने में ही कई साल लग गए। दंगे से डरकर नाना नानी मुझे नासिक ले गए। अब उस वक्त में मैं क्या ही फैसला ले सकती थी। वहाँ के एक प्रीस्ट ने मुझे US पढ़ने के लिए भेजा। दंगे को वजह बताकर काला को तड़ी पार करवा दिया। पता नहीं चला कि उसे अगवा करके कहाँ रखा गया। वापस आकर जब जरीना का पता ठिकाना नहीं मिला तो वो उदास हो गया। पता नहीं क्यों और कैसे, पर तब की रखी दाढ़ी आज तक नहीं लग गई। ये सब जाने बिना मैं इधर आ गई। जब देखो दर खड़े हिंदी गाने तेरे मेरे पीछे में चला के पड़े रहने का, मैं ऐसे कैसे छोड़ देती। मैं भी उसके सामने इलायराजा के गाने लगा देती थी। जरीना नाम मुँह से निकलता तो जरा इधर उधर करके फिर से संभालने लगते। मैं सोचती यही मेरी किस्मत है। मतलब पापा तुमसे प्यार नहीं करते थे? जाना जा जाकर अपने पापा से पूछ। हा? ये सेल्वी नहीं तो तेरे पापा भी नहीं। सासू माँ, मुझे तो लग रहा है उन्हें फिर से जरीना से प्यार हो गया है। संभल कर। हाँ तो होगा नहीं क्या, माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है वो। छोड़, दीदी की तरह थोड़ी है। अंदर आओ जरीना। नहीं, थोड़ा काम है। लेनिन ना, रुको अभी। ए लेनिन, कहाँ चला गया ये? ए लेनिन, कहाँ चला गया ये लड़का? किधर है, किधर है? कहाँ कहाँ है, बुलाओ उसे। ए, हुआ क्या? नीचे आ, जरीना वेट कर रही है। जरीना वेट कर रही है। जा जल्दी। क्या क्या हुआ? ये इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है। Bye.
जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा चेहरा देखा था अब भी अच्छी तरह याद है। मैं तो डर ही गई थी जब तुमने मुझे देखा था। पता है मुझे देखते ही अपने घुटने छुपा लिए, फौरन शॉल ओढ़ ली। उस दिन रोज कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की स्कर्ट पहनी थी। इन आंखों में अब भी वो नजर आए। तुम्हें अब तक याद है तुम्हें इतनी पसंद थी? बहुत, अभी तक हो। यकीन ही नहीं होता कि हम साथ नहीं हैं। लेकिन ये जिंदगी कितनी बेरहम है। दोबारा हमें मिला के तमाशा देख रही है। अच्छा, तुम इतनी जवान कैसे दिखती हो? मजाक मत करो। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मुझे देखो, उम्र ढल गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन तुम? थैंक्स। मेरी बेटी के सारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बोलते हैं। ए, मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। से रत्ती भर भी भरोसा उठना नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूं, क्योंकि उसकी दुनिया मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं। अभी मैं तुमसे मिलने आया हूं, उसे पता है, पर एक बार भी नहीं पूछा। तुम्हारी जिंदगी में इतनी सी भी खरोच नहीं आएगी मेरी वजह से। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या करी कलन, अब मैं वो जरीना नहीं हूं, कोई और ही। तुम्हारी यादों की जरीना बन के रहूं, उतना ही काफी है।
दरअसल मुझे अजीब लग रहा है। सेल्वी यही कहीं आसपास है ऐसा लग रहा है। चलते कहीं कल। आगे से मुझे करिकालन ना बुलाओ तो अच्छा होगा। चलता हूँ। खुल के सो रही दिखता नहीं। बस बात करने गया था। तो बात कर ली। मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही बसी थी, उसे तो मैं देख भी नहीं पाया। ऐसी बातों में तू कम नहीं है। सुन लो, मैं अपने गांव जा रही है। क्यों? सिर्फ तेरे को ही प्यार करने वाला है क्या? मैं 8वीं में पढ़ रही थी, पैदल जाती थी। ढोल बजाने वाला वो जगन्नाथ था ना, पागलों के जैसा मेरे आगे पीछे घूमता था। मेरे को भी पसंद था, लेकिन तू शादी करके लिए आया। ए सुन, टिकट करा दे, मैं भी एक बार मिलके बात करके आती है। तू ही बात कर सकता है क्या? मैं भी तो जाकर बात कर सकती हूँ। सिल्वी, ये वो ज़रीना नहीं जिससे मैं कभी मिला था। ये मुझे कोई और ही लगी। उससे मिलकर उसे भी ऐसा ही लगा। तू सच बोल रहा है? तू क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर आई लव यू बोल। ए, क्यों नहीं बोलेगा? अरे अरे अरे, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सोना। मेरे गुरु ना आ रहा है, लेकिन मैं नहीं रोएगी। मैं काय गुरु? नो 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 नो, तुम नहीं रोगी, मेरी जान हो तुम, आई लव यू। अच्छा, उस जगन्नाथ से सच में प्यार किया था तुमने? हाँ? बारिश हो रही है, अच्छी बारिश है। जीजू, एक ही मैसेज को 9 साल से फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। पागल, मुझे खुद 6 बार आज से छोड़ी। मतलब खराबी में जो कोई नहीं कर सका वो हम करने वाले। हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे ना, देखना हम क्या करने वाले। अरे वाह, क्या बात है भांजे, धारावी में सोना उगाने वाले हो क्या? हमारे पर किसी की नहीं चलेगी। अच्छा, राक्षसी पापा वाले दोस्तों को भी आना। हाँ सुन लिया सुन लिया। अब ये धारावी कैसे बदल जाएगी देखे क्या? फर्स्ट हाउसेस 225 to 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। सबको नहीं, गवर्नमेंट जिन्हें डिसाइड करेगी उन्हें, बैच बाय बैच। उसके बाद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्स, गोल्फ ग्राउंड्स। स्कूल्स में आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन। रिच किड्स के लिए अलग स्कूल, हॉस्पिटल भी होगा। उसमें सैटरडे संडे आपका फ्री ट्रीटमेंट। और इन सबके खर्चे के लिए मेन रोड में जो जमीनें हैं वहाँ बिल्डिंग बनाकर बेच देंगे। क्या कहते हैं, किसी को फ्री में रहने की जरूरत नहीं। Now don't you think this is a silent revolution for equality? वाह, सुन के ही मेरी सांसें फूल रही है। अपनी नई धारा भी कैसी हो जाएगी देख रहे ना? हाँ, सबसे पहले हमारे आर्किटेक्ट सर के लिए, बिल्डर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धारावी will have a new name। धारावी को एक नई आजादी मिलने वाली है। हाँ, अरे वाह, तब तो मेरे दोस्त लोग भी मेरे घर आएंगे। सुपर। हाँ सर, ये गोल्फ ग्राउंड हमें क्यों चाहिए? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी हमारे खेल तो ये है ना। ए, बकवास बंद कर। ए लेनिन, उसका सवाल तो सही है ना, हमें क्यों चाहिए गोल्फ ग्राउंड? हे, इट्स ओके, इट्स ओके, सब कुछ हाई क्लास होना चाहिए, अदरवाइज हाउ विल योर फ्रेंड्स रिस्पेक्ट यू? सही कह रहे हैं, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। यहाँ ज़रीना मैडम आई है तो बस इसी काम के लिए, इसमें हम सब की जीत है। अरे दादा की जीत है इसमें, ये बोलो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तालियां बजाओ। आप बजाओ ना, खूब तालियां बजाओ। तुम लोग तो क्या देख रहे हो, विष्णु सामने रहेगा तो काम नहीं बनेगा, इसलिए एनजीओ को आगे ला रहे हो। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, क्या ये तमाशा दिखा रहे हो? ए मामा, अपना काम शुरू कर दिया। ओए, उन पे क्यों चिल्ला रहे? सच्ची तो बोल रहे हैं, मनु बिल्डर्स कौन है तेरे को पता नहीं है? शर्मा, अब ये क्या नया शुरू कर दिया? अपना काम हो रहा है, बस ये देखो ये लोग यहीं सड़ते रहे, ऐसा क्यों सोचते हो? जब हम कीचड़ साफ कर रहे थे तो कौन आया था? और अब
रहने लायक जगह बन गई है तो इन लोगों के मुंह से लार टपक रही है। इस तरफ पास में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, आस पास 5 रेलवे स्टेशन है। दारावी से मुंबई कहीं भी तुरंत जा सकते हैं, यही वजह है। एमएलए सर वेट, मिस इंटरप्रेट मत कीजिए सर, वो नहीं है जो गोल्फ फील्ड और स्टेडियम बनाने की बात कर रहा है। एक गोल्फ फील्ड को बनाने में 74 एकड़ लगता है, चल तू 50 एकड़ में भी बना लेगा तो हम क्यों सारी जगह तेरे को देकर सिर्फ 225 में सिकुड़ कर बैठे रहे। सोने की खान तेरे को मुफ्त में दे दे, इतने पागल है क्या? अरे ओ तूफानी, घर में अंदाज बना कर देना ही काफी है क्या? हाँ मैडम, अपने हिसाब से बिल्डिंग बना देंगे तो काला के किले में छेद हो जाएगा ना, धंधा कैसे चलेगा? कटिन मैडम सेटल कर दीजिए, बात करने जैसा छोड़ के गई थी यहाँ सब वैसे का वैसा ही है। यू हैव कंसर्न्स, यू हैव प्रॉब्लम, देन गिव इट टू मी इन राइटिंग। करीकालन, सबको भड़का के बिना कुछ कहे कहाँ जा रहे हो तुम? देखो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, ये हमारी जमीन, हमारे बाप दादाओं के बनाई हुई जमीन, गवर्नमेंट को हेल्प करने बोलो, हमें जैसा घर चाहिए हम बना लेंगे, उसकी सफाई भी रख लेंगे, ये मेरी गारंटी, हम सब की गारंटी है। क्यों, क्या कहते हो सर? हर चीज करें गवर्नमेंट की, तो फिर सरकार किस लिए है? हाँ सरकार पे कर्जा है, पैसा नहीं है, ये मत बोलना। छोटी से लेकर डाला करके सरकारी अधिकारी और राजनेता ऐश की जिंदगी जी रहे, उनको कहाँ से आया पैसा? सही बोला। इस जमीन को अभी अभी बेचे तो जमीन के ही 40,000 करोड़ मिलेंगे, वो किसी और को देकर हम उनके आगे पीछे घूमते रहे क्या? ए क्रांतिकारी नेता, सबको घर भेज के तू भी घर आ, गुस्सा दिलाते हैं। से गरीबों की सोचने लगे, अपना फायदा देखे बिना कौन किसी की हेल्प करता है बताओ? इसीलिए कहा था तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ओ, तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, और तुम तब से लेकर आज तक क्या किया? भाई की हाँ करूँगा, मैं राउडी हूँ, तुम जिसे लेकर आए वो शरीफ है, पैसा आ जाए तो गुंडे भी अच्छे बन जाते हैं। अपनी जमीन और लोगों को जाने बिना दो किताबें पढ़कर बदलाव और क्रांति का नाम लेकर घूमते हैं, अपनी जड़ें जानना जरूरी है। हमारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। सिल्वा भैया, शुरुआत तुमने ही की थी ना? बेचारी अपनी जरीना मैडम, सर से खून बहने लगा, भाड़ में जाओ, इनके लिए सोच नहीं बेकार। ओहो बाप रे, ये क्रांति करने नहीं आएंगे तो हम सब बैठ कर रोएंगे। ए, जाना। हाँ जा ही रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास हुनर है, मैं खुद को संभाल लूंगा। अब से तुम लोगों के लिए दोबारा खड़ा हुआ तो चप्पल मारना मेरे सिर पर, अकल ही नहीं है, गवार बुद्धि ना, इसलिए हाँ है, हम गंदगी में ही है, दुख देखे बिना बड़ा हो गया ना, इसीलिए
ये लोग तुझे गंदे लग रहे हैं। तेरे हिसाब से भले ही अच्छा हो या नहीं, पसंद हो या नहीं, तुम्हारी सड़कों पर पड़े रहे, तू जो पानी पिलाए उसे पिए, तू जो टुकड़े फेंके उसे खाए, हमें नहीं चलेगा बोला तो कहोगे? खाने की औकात नहीं, इनकी चर्बी तो देखो। ए, तो जैसे इंसान के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, चल निकल, बाहर के ठोकरे खाकर पता चल जाएगा जिंदगी क्या होती है। ए, निकालो इसे, निकालो बाहर। वो जा रहा है ना, अचानक कहाँ जाएगा, सोचने तो दो। उसको लगा होगा कि वो जाने लगेगा तो तुम उसे रोक लोगे। अब जाओ जाओ बोलोगे तो कहाँ जाएगा मेरा बेटा? बेटा सुन, अच्छी जगह जाकर रहना, ठीक टाइम पर खाना, सेहत का ख्याल रखना, मेरे राजा है ना। अरे अरे ये भीड़ क्या है? अरे दूर पे जा रहा क्या? बैठ देख के तो लगता बहुत दूर जा रहा है। मामा के लिए भी कुछ लेके आना। घर के भेदी, सबसे पहले तेरे पास लगाऊंगा। अरे गुस्सा क्या होता है? अंदर जाओ।
इसके पीछे कौन है तुम नहीं जानती, मैं यही कहूंगा। वो हरी सामने खड़ा होकर कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हारी एनजीओ के साथ बिल्डर बन के आ गया। ये जाने बिना पागलों जैसी बातें कर। Stop it! Don't judge me. पागल हूँ? मैं पागल हूँ? मैं कौन हूँ ये मैं अच्छे से जानती हूँ, ओके? मैं भी यहीं की पैदाइश हूँ। अरे ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसा कि मैं सरी दादा को सपोर्ट कर रही हूँ। अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए लोगों को बलि का बकरा बना रहे हो। मैं नहीं होने दूंगी। इस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं जानती हूँ मिस्टर काला। हेलो अफ्रीका रिटर्न मैडम, मेरे लोगों का अधिकार ही मेरा स्वार्थ है। मेरे लोग बकरे नहीं है कि जो भी आए बलि चढ़ा कर जाए। मनु बिल्डर के नाम से एक भी ईंट उतरने नहीं दूंगा। कायरा की माँ, इस करिकालन की पूरी भाईगिरी अभी तुमने देखी नहीं है, अब देखोगी। समझे? समझ लेना। देख छोकरे लोग के साथ मिलकर कोई लफड़ा नहीं करने का। ऐसा कुछ नहीं है काला। अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, समझा ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे इधर कहाँ जा रहे? बताता हूँ काला। इधर से कहाँ जा रहा है? हमको उधर जाना है। काला बता दो, रुक ना। कहाँ घुमा रहा है यार? अब बाइक क्यों घुमा रहा है? क्या कर रहा है? हमें घेर लिया है काला। ए, रुक जा, रुक। ए, तू निकल। काला। ए, निकल। अरे सिटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। लड़के देखे जा सकता था ना? तुम्ही ने तो बेटे को भेजा था। तो नहीं बताएगा तो भी? तेरे को सब पता है, तेरी हर सांस क्या कहती है। ओ, तुम्हें सब पता है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ। जानती हूँ मिस्टर करिकालन। Thank you.
जी विष्णु बुढ़ा है। हाँ मेरे पास है। चला परेशान। हाँ बोलता हूँ। जी जी सुनील बाबू का कॉल था। सरेंडर नहीं होना है हरी दादा ने बोला है। हरी दादा के लिए ये प्रेस्टीज प्रॉब्लम है। उनके लोग आएंगे अभी। उनके साथ चले जाओ। कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। जेल से जास्ती उनके साथ रहना ही सही है।
आओ हरी दादा। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। अच्छा मेरा काला सेटर बहुत सुना तुम्हारे बारे में, है ना? ये पता बात तुम्हें, मैं तो डेली आपको देखता हूँ, पूरे शहर में आप ही छाए हुए हो। बहुत खुशी हुई। मेरा दूसरा बेटा सिल्वा, मेरे दोस्त। नमस्ते। मेरे बेटे और बहुए। मेरी वाइफ। कोई बात नहीं, ले जाओ। और ये भैरव है। जीजू, मुझे तो छोड़ दिया। ये मेरा जिगरी दोस्त बाली अम्मा। देखने में तो भला इंसान लगता है। हाँ, सच में लाइट बैंक का कितने अच्छे। चुप करा, सिर्फ सफेद बनना काफी है। हमारे घर का पानी भी नहीं पिया। बस देख रहे आया तो कौन है वो जो मेरे सपने के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है? अच्छे से देख लो। अच्छा लगा तुमसे, तुम्हारे फैमिली से मिलकर। बस धारावी को अपनी याद में जिंदा रखो, इसके बाद धारावी मेरी है, सिर्फ मेरी। तंगचे काला का ख्याल रखना। हरी दादा, मैंने अभी जाने को नहीं कहा। तुम भले ही धारावी में अपनी मर्जी से घुस आए हो, लेकिन यहां से निकलने के लिए मुझसे परमिशन लेकर ही जाना होगा। जाना, पूछ के चला जा।
जा सकता हूँ? काला सेठ ना बोला माँ, ये काला किला है, मेरा घर है। ये रत्ती भर मिट्टी भी तू यहां से लेकर नहीं जा सकता। निकल दिमाग से सोचता है। तो रामवीर क्या है रावणा? ये जरीना है। हाँ। जरीना। हाँ। धराई में लोगों से कंसेंट लेने का काम कर रही है। सर, I'm really sorry about what happened in धराई, but अगर आपकी कंपनी ने ना कर दी तो आप people will really suffer. Actually sir, there are only very few people who are misguided in धराई. कुछ लोगों की वजह से बाकी सब क्यों सफर करें? मैंने हमेशा लोगों की भलाई चाही। क्या नाम है उसका? किसका? काला। काला। हाँ, काला। गलती हो जाती है लोगों से। एक के गलती की सजा दूसरे लोगों को क्यों मिले? स्कीम का कंसेप्ट लाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दिस कंट्री क्लीन एंड प्योर। बराबर। थैंक यू सर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। And don't worry, we'll get the consent as soon as possible. आप अफ्रीका से आके कर सकती हैं, ये तो लोग मेरे हैं, अपने हैं, मैं यहाँ का हूँ, मैं नहीं कर सकता। आपके भैया क्या करते हैं? No, actually, I'm a single mother. हाँ? I'm a single mother. एक लड़की है कायरा। हाँ। Take care. और पैसे की कमी, अकेली। अगर कुछ जरूरत होगी इनको तो देख लेना। ओ दादा, हरी भाई। इसका नाम लेनिन है, काला का बेटा। भूल सकते, भूल सकते।
अरे ये हरी दादा तो ऐसा ही है, लेकिन तुम लोगों को जब तक पढ़ेगी नहीं तुमको समझ नहीं आएगा। वनवास बहुत हो गया तेरा, कल घर आ जाना, नहीं आया तो हाथ पैर तोड़ डालेगी। काला तू भी उसको बुला ना, काला अपने साथ इनको भी लेकर आना। ए तूफानी तू भी आना, क्या है कल अपने घर में फंक्शन है, सब लोग आ जाना, आ जाना ठीक है। सोने की तू एक मूरत,
सोनेगी तू एक मूरत को लवली रानी सुनो जरा सोने का भी रंग है देखा चांद से तेरा मुकाबला दिल ठुमका एक मांगे वहीं से आगे बढ़े रे मैं तो जिंदा हूँ तुम सबसे क्या तुम्हारे बिना तुमसे रोशन है ये जहाँ तुमसे रोशन है ये जहाँ जरा तुमसे सांसों की है कहानी मैंने पाया प्यार प्यार तेरा बिछड़े ना बिखरे ना टूटे कभी तेरे संग ही आज रात भर जी भर के हंगामा होगा दिल टांगे टांगे दिल ठुमका एक मांगे 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 और क्या सिर्फ एक बोतल ताड़ी पी के तुमने इतनी हुड़दंग मचा दी डांस कर रहा है गाना गा रहा है मैं भी देख रही हूँ तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है संभाल संभाल इंग्लिश भी बोल रहा है पापा आपसे थोड़ी बात करनी है हाँ बोल ना तुम लोग ही तो मेरी दुनिया हो क्या चाहिए बोल ना बच्चों को अंदर ले जाओ चलो बेटा बच्चे खेल रहे हैं खेल रहे तो ना हाँ बोल क्या चाहिए आज माँ और आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत तकलीफों से आपने हमें पाला अपने पैरों पे खड़ा किया हमें किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन ऐसे झिझक के क्या बोल रहा है पापा उस दिन जो तुमने हरी दादा के साथ किया तब से उसके आदमी ऑफिस में आके खड़े हो गए इसीलिए घर छोड़ के जाने को कह रहा था मैंने कहा फंक्शन होने दे बाद में बात करते हैं छोड़ रहा था हम सब चलते हैं अब तो वेल सेटल है ना तो फिर क्यों ये मगजमारी डॉक्टर इंजीनियर बनकर धारा भी छोड़कर कितने लोग जा चुके हैं क्यों कीचड़ में रहे नेक्स्ट जनरेशन तो अच्छे से रहे ना तो यहाँ किस चीज की कमी है डर लगने लगा है क्या अगर इनको डर होता तो हम चारों को पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता तुम तो बिना सोचे समझे बोलते हो पता है ना अपने वेंकैया दादा को उसी ने मारा था देखो डर नहीं होना चाहिए ए जल्वी सूप से शेर भगाने वाली तमिल वीरांगनाओं की कहानी नहीं सुनाई कैसे पाला जैसे कि ये लोग सुनेंगे जाने का फैसला कर लिया है ना कोई नहीं रोकेगा तुम्हें चल निकल एक मिनट भी इधर नहीं रुकने का नहीं तो मेरे मुँह से उल्टा सीधा निकल बस ऐसे बात करते हैं बच्चों से चुप ये बस ऐसे ही कह रही है सासु आप नाराज क्यों होती हो हम कुछ बोल नहीं सकते क्या भले के लिए तो कह रहे हैं सोने का भंडार भी हो तो उस पे बाहर कितने दिन जी पाओगे जरा सी परेशानी क्या आई मैंने जीजू को भटकाने की कोशिश कर रहा ये पड़ेगी मामा तुम चुप रहो जब देखो बेवड़ी की तरह पी के पड़े रहते हो अपने पापा से बात कर रहा हूँ ना तुम अपना काम करो बड़ों से ऐसे बात करते यहाँ से चले जाओगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी जगह बदल के सुबह बदल के अपना खाना बदल के अपनी बेटी रिश्तेदार छोड़ के राजा की जिंदगी भी जी ले तो वो भी जिंदगी होगी बदलना है तो यहाँ रहकर बदल देख वो भी गुस्से में यहाँ से निकला था थाना भी छोड़कर गया उसके बाद मेरे बीच हजार मतभेद हो पर वो इस मिट्टी की इज्जत करता है इस पर मुझे जरा भी शक नहीं इस पेड़ की जड़ें यही इसी मिट्टी में है ये यही जलेगा या गड़ेगा ऐसे नहीं है बाबा कोई कुछ नहीं बोलेगा जाओ जाओ चलो अंदर जाओ थोड़ी ढील दे दो तो मजाक में ले लेते हैं बीच बीच में काला बनना पड़ता है वलेपा निकाल बोतल वहीं बैठो काला तुम बैठो काला काला तुम
बैठो ना जरा। अरे अपनी सेना भी साथ लाए हो, कोई बात नहीं, आओ आओ आओ, सगले जेवन गया। सर्वी, सबके लिए खाना है ना? काला, तुम चुप रहो। क्या बात है? क्या हुआ? इतने सारे क्यों हैं? विष्णु भाव का मर्डर का वारंट है। मर्डर करने वाला सरेंडर हो गया, अब क्या? लफड़ा मत करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ। चलो। हाथ तो लगा। ए, पीछे। ए, पीछे। क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ए, बच्चे भी डर जाएंगे। ना माने। ए, पटेल, अभी मुझे पुलिस स्टेशन चलना है ना? नहीं जी। ओके। ए, जी 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 रुक। ए, आधी रात को कौन सा रेस्टोरेंट है? देख, जाओ सुना। ए, शिवाजी, कैसा है तू? ठीक है, सब ठीक है ना? तुमको ठीक से पढ़ाना। काला। शिवाजी, हम तो पढ़े नहीं, अगर हम पढ़ लिख लेते तो क्या बात थी। लेकिन बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को। शिक्षा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हम लोग तो नहीं पढ़ा, बच्चे लोगों को पढ़ाना, एजुकेशन। खाना ज्यादा हो गया तो हजम करने अंदर चला आया। अब देख, वो जो भी हो उसे एक छोड़ेंगे। वो क्या है कि मिनिस्टर के पास गया था, बोले प्रॉब्लम को बात करके सुलझा लेंगे, इसलिए अपनी तरफ से मीटिंग का इंतजाम कर दिया। बात कर लेते हैं ना सर? ओ मिनिस्टर, नमस्ते। नमस्कार। जीते रहो। मंत्री लेवल तक कांटेक्ट बना के रखा है। चुमार रुस्तम निकला रे। मतलब समझौते का झंडा फहरा तो यही कहना ना, फहरा देते हैं। उसके लिए यहाँ क्यों बुलाया? मेरे घर के सामने वाली जगह पर बैठ के फैसला कर लेते हैं। सेल्वी गर्मा गर्म चाय भी बनाकर पिलाएगी। क्या कहते हो कुमार? ऐसा नहीं है। ए मॉडल, इसी के लिए मुझे इधर लेकर आया क्या? पहले बोलना था ना। ए चलो चलता हूँ। ए इधर जा रहा है। बैठो बैठो, मैं बात करता हूँ। कुमार, ये कौन है? भाई यही तो मिनिस्टर है, जानते नहीं? ओ मिनिस्टर, नमस्कार। सब ठीक है ना? घर में बीवी बच्चे सब ठीक है ना? धंधा कैसा चल रहा है? रोकड़ा आ रहा है ना? रोकड़ा रोकड़ा। ये क्या कह रहे हो? रोकड़ा ही तो पूछ रहा हूँ। सामने कौन है, आप देखते भी नहीं? हरी दादा के एक इशारे से गवर्नमेंट में उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। सुना है तुम्हारी मर्जी के बिना धारावी में कुछ नहीं हिलता। अच्छा, कुमार नहीं बना? हरी दादा भले इंसान है, बड़े आदमी है। माफी मांगोगे तो छोड़ देंगे। मैं मीटिंग अरेंज करा दूंगा, माफी मांग लो। कुमार, ये कौन है? ये साउंड क्या है? कुछ नहीं है सर। भाई ये क्या मजाक कर रहे हैं? अरे बड़े लोग हैं ये। मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो आपकी वजह से सबको परेशानी होगी। एक मिट्टी में घुल मिल कर रहे ये सब भूल कर मौत मारूंगा। चल पीछे जा। तुम्हें शरीफ समझा था, तुम तो अतरंगी निकले। ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं इसलिए मैंने ये मीटिंग। मैं हरिदास।
दादा से बात करूंगा, कुछ अच्छा ही करूंगा। तुम्हारे कितने बेटे हैं? तीन ना? चार बेटे हैं। अरे कोई घर, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए घर और फैक्ट्री के लिए जगह मिलेगा, मिलेगा, बस इस स्कीम के बीच में बताना। कुमार मारूंगा नहीं, इधर आ। हाँ भाई। कुमार क्या भाई, कौन है ये? मजाक कर रहा है क्या? यहाँ से तेरी लाश ही बाहर जाएगी, तुम कुत्तों को बाहर से आकर मुंबई पे राज करना। ए, आगे से हमारे बीच आयो ना तो कुचल कर रख दूंगा। मजा आ गया। मजा आ गया। हिम्मत है तो मार के दिखा, फिर दिखाता हूँ मैं सर। के लिए मैंने क्या किया है मैं सिर्फ अकेला जानता हूं। कितनों को कुचल दिया है, तुम्हारी इस धारावी में कितने रंगे फसाद करवाए हैं, मैं भूलना चाहता हूं। मुझे याद दिलाने की गलती कर रहा है तू। तूने जिस वेंगैया को मारा उसका ही बेटा तेरा यमराज बनेगा, ये तूने सोचा नहीं था? देती है गलती सुधारने का, मेरे हाथ में वो सुनहरा मौका है। विष्णु को मारा तूने, इलेक्शन में मुझे हराया, मेरा अपमान किया तूने। बहुत लीडर है तू, लीडर और मूर्ख में थोड़ा सा फर्क है। अभी समझाने जाऊंगा, समझेगा नहीं, वक्त समझाएगा तुझे। सबूत और गवाह नहीं मांगता वक्त। अब नहीं मारूंगा, नहीं तो ये चिल्लाने वाले कुत्ते है ना, चबूतरे पे खड़ा करेंगे, माला पहनाएंगे, टीका लगाएंगे, पूजा करेंगे तेरी। मुझे वो नहीं चाहिए। ए, जाने दे इसका। ओके दादा, ओके।
बकरों की तरह पीछे पड़ा है। सत्यानाश हो, उसकी इतनी हिम्मत कि तुम पर हाथ उठाया उसने। इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके टुकड़े करके जेल चली जाओ। ए, चुप करना, तेरे गाला पर कोई हाथ उठाए तो वो क्या चुपचाप देखता रहेगा? वही तो मैं सोचूं, तुम पे हाथ उठा देगा। अरे हाँ, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या है? खुद से ही मार लिया, बहादुरी की निशानी है। हंस क्या रहा है? वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। ऐसे कैसे छोड़ के आ गया उसे? मैंने उसे छोड़ा नहीं, उसका मुंह तोड़ दिया। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए उसका दांत भी लाया हूँ। सच कह रहा है? दिखा, कहाँ है? ये देखो, यही कहीं था, कहाँ गया? अच्छा, ये इसे ढूंढ रहा है। अब तुम ये क्यों छुपा रहे हो मेरे से? अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उसका वहाँ आना, खड़े रहना, उसका रोना, मेरे को देखते ही आंसू पोंछ रही थी अपने। हा? पता नहीं अब कहाँ जाकर रुकेगा ये, मैं भी देखती है। ए, चुप करना, क्या वो वहाँ आई थी? हाँ, आंखें कैसी खुल गई देखो तो। मैं नहीं होती तो उसी से शादी करता ना। कोई बात नहीं, बोल दे, सबसे हेल्प करने वाला दिल है मेरा। I love you, कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर गया तेरा लव यू। कत्ल कर देंगे, हाँ? That is just fascism. प्योर मुंबई प्लान पूरा नहीं होना चाहिए। ज्यादा इमोशनल मत होइए मैडम, ये प्रोजेक्ट हो गया नहीं, इसका फैसला आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जिसके लिए आए हो बस वही काम कीजिए, बेकार में ज्यादा मत बोलिए। ये जगह ये सब बात कर रही है, इज्जत उतार दूंगा। ए पिरुमल स्वामी, फालतू चिबड़बड़ तू करता है, जाके बता हरिदादा को प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये जमीन हमारी है, समझा? चल निकल यहाँ से।
हाय तुम बाहर जाओ ना। राम राम मेरे भाई और बहन, ये मेरे दिल की आवाज, मुंबई की आवाज। मुंबई को जरा से भी चोट पहुंचती है तो चोट पहुंचाने वालों के हाथ कट जाते हैं, मालूम नहीं कैसे। डिजिटल धारावीर और प्योर मुंबई की इस सरकारी योजना को मैं सलाम करता हूं। हमने फैसला किया है इस गरीबी को अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। मेरे इस प्रयत्न को असफल बनाने में कुछ रोक लगे हुए हैं। उन देशद्रोहियों को आपको पहचानना होगा। मेरी जीत आपकी जीत, आपकी जीत देश की जीत। जय महाराष्ट्र। क्या हुआ भाई? ठीक होना चाहिए, हम सब कब से खड़े, पानी नहीं आ रहा है। ये जो शुरुआत करती है उन्हें एक पड़ेगी। हमें कुछ कुछ करना होगा। नहीं लगना चाहिए, हमेशा शांत होना चाहिए। मेरे दादाजी के पहले की है। दादा कल आ रहे हैं। आने दो। असल में मैं तुम्हें मारना चाहता था, गलती हो गई, मुझसे नहीं ऊपर वाले से। अनजाने में तुम्हारी बीबी और बेटा, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। बैठो बैठो। मंगल बेटे पानी ले आ। दादाजी से आशीर्वाद लो, संग लो भाई। नहीं बेटा, नमस्ते बोलना बस। नमस्ते स्वीट गर्ल। बच्ची कह रहे थे यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, डोंट किल हिम।
अगर मेरे रास्ते में नहीं आओगे मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं काला हूं, यम हूं, यमराज। देखते हैं कौन क्या है। काला कैसा नाम है रे, बोलते हुए मुंह खट्टा हो जाता है। ये तुम्हारा काला रंग बड़ा घिनौना लगता है, चुभता है आंखों में। सफेद साफ और काला गंदा आंखों में चुभता है ना, कितनी घटिया सोच। तेरी नजर में ही खोट है। काला मेहनत का रंग मेरी चौल में आकर देख, गंदगी भी रंगीन दिखाई देगी। शुद्ध क्लीन प्योर ये सब तेरे नकाब है। क्या चाहिए तुझे? जमीन ना, कल किसी के नाम पर थी, कल को किसी और के नाम पर होगी। कब्र की छह गज जमीन भी अपनी नहीं होती। क्यों इस तरह पागल हो रहा है? कुछ नया बोलिया, मुझे मालूम है सब कुछ यही रहेगा। मैं कुछ ऊपर लेके नहीं जा सकता। छह फीट जमीन में ही गाड़ेंगे मुझे, सब नश्वर है। कृष्ण ने मेरे कान में भी फूक मारी है, सिर्फ तेरे कान में नहीं। लेकिन फिर भी उस कागज पर दो दिन के लिए क्यों ना हो मेरा नाम होगा, मैं खुश हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, वो जमीन तेरे लिए पावर होगी, हमारी जिंदगी है, समझा? And power is my life. अधिकार मेरी जिंदगी है। रास्ते में भोगते हर कुत्ते पर पत्थर फेंकता रहूंगा तो अपने मकाम तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे मालूम है। अगर तुझे लगता है गलत है, इट्स योर प्रॉब्लम। इस नेक काम में जो भी बीच में आएगा मरेगा। कुरुक्षेत्र पर अर्जुन फंसा था तब उस हरि ने जो किया था बिल्कुल वैसा आज यह हरि कर रहा है। मेरी जमीन को छीनना ही अगर तेरा धर्म है और तेरे भगवान का धर्म है तो मैं तेरे भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बस एक गलती हो गई, मेरी बीवी और बेटा मर गए मेरी वजह से। वो गिल्ट है मेरे अंदर, इसलिए मैंने तुझे अपने घर में आने दिया। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की, तुझे मालूम होना चाहिए। तो क्या है, बार बार मुझे याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। खत्म कर इस घमंड को, आजा छू ले पाऊं मैं। कितना फासला है, दो कदम, कहानी खत्म। वही दो कदम की दूरी है, मेरे पांव छू ले। तुझे माफ करना है या सजा देनी है ये फैसला मैं करूंगा। ए थामरे थामरे, मैं यहां लड़ने नहीं आया। मेरी पत्नी और बेटा मर गए हैं, मैं हार गया हूं, ऐसा मत समझना, यही बताने आया हूं। तेरे पास भले ही पावर है लेकिन मेरे पास कंधे से कंधा, खून से खून मिलाकर खड़े रहने वाले हजारों लोग हैं। तू धरावे में कुछ नहीं कर सकता, यही बताने यहां आया हूं मैं अकेला। एक बात सुन ले हरी, खुदा का हुक्म, काला की कसम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे तो मेरी पीठ पर वार कर ले। Nice person. बिजली बंद
देंगे। पूरे शरीर में बिजली है मेरे भाई। आ जाओ सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, बिजली ले लो। पूरी धारावी को बिजली दे सकता हूँ मैं। दादाजी आपका नाम करिकालन है ना? हाँ, अरे दादू आपने मॉडर्न जमाने के बदले पुराने जमाने का करिकालन नाम क्यों रखा दादाजी? ये एक शुद्ध तमिल नाम है बेटा। दादा आपको काला काला क्यों बोलते हैं? अरे दादाजी काले है ना, इसलिए नाम रख दिए। अरे बच्चों उसकी भी एक वजह है। हर साल गांव के मंदिर में जिनका त्योहार मनाते हैं उसी काला भगवान का नाम दिया है दादाजी को। काला मतलब अपने लोगों की जो हमेशा रक्षा करता है। दादाजी क्या आप गैंगस्टर हैं? नहीं दादाजी, राउडी। पहले बुराई के खिलाफ आवाज उठाने वाला गुंडा हो जाता था, लेकिन अब सब उल्टा हो गया है। जिन्हें हम नेता मानते हैं उनके अन्याय के खिलाफ बोलो तो वो गुंडे का नाम दे देते हैं। ऐसे ही मेरे पिताजी वेंगैया ने आवाज उठाई तो उन्हें मार डाला। मारने वालों से बदला लेने का हुक्म सवार था मेरे सर पे। ये बदला ये गुस्सा किसी काम का नहीं, ये समझा कर सेल्वी दादी ने ही मुझे बदल दिया। दादा, आप सेल्वी दादी से बहुत डरते थे ना? बहुत डरता था, वो मेरी देवी थी, मेरी कुल देवी। सिल्वा अंकल और सिल्वी दादी को जैसे मार डाला वैसे हमें भी मार डालेंगे, मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे। मैंने भी बोल दिया हम काला के पोते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुप रहो सब, तुम्हारी उम्र ही सब बात करने की। अरे क्यों डांट रही हो बच्चों को? ये तो बस देखो बच्चों, सबसे प्यार से रहना चाहिए, ये झगड़े मेरे तक ही रहने दो। इसी वजह से मेरी सेल्वी और मेरा सेनापति सिल्वा, ये दारू की बुरी आदत, उस दिन अगर मैंने पी नहीं होती तो मेरी सेल्वी और मेरा सेनापति खोया नहीं होता। जाने वालों को याद करती रहे तो जो है उनको कौन देखेगा? लक्ष्य जैसी बातें सेल्वा को समझ नहीं आती थी पापा। मैं अपने पापा के लिए मर भी सकता हूँ कहते थे, बस इतना ही पता था उन्हें दुख तो हो रहा है पापा, अब और किसी को नहीं खोना है, नहीं खोना है, हम सब हैं। हाँ पापा, अब हम और कुछ नहीं खोएंगे, हम साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। पापा आइए, पापा बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, हम सब साथ में खाते हैं। पापा, 10-15 जैसे भी 200 पुलिस वाले और इतने ही नहीं गुंडों को भी लेकर आए हैं।
वो लोग आग बुझने से पहले इवेक्शन शुरू करने की कोशिश में है। मनी से लोगों को टोकन देना है, जरीना तूफानी उनसे लड़ रहे हैं। आइए पापा। छुपना चाहिए, पहले तो उनके लिए काम करना ही बंद करना होगा। ये शरीर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, ये हमें दुनिया को दिखाना होगा। बुलाओ अपने लोगों को। अरे भांजी, ने स्ट्राइक करने को बोला, ये सब उठाओ। स्ट्राइक हो गया, सबको वापस बुला रहे हैं। स्ट्राइक है, चलो निकलो। पापा, आप उतरोगे क्या? टैक्सी नहीं जाएगी। क्यों भाई? स्ट्राइक है। हम कौन है अब दिखाएंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं, सिर्फ एक ही मांग जिसके लिए शान से खड़े रहेंगे। ये जमीन सिर्फ हमारी है, चिल्ला के कहेंगे, जमीन हमारा हक है, जमीन हमारा हक है। हमारे इस आंदोलन के तुम ही पहले रिपोर्टर, फेसबुक ट्विटर सब में हमारी आवाज फैला दो। ठीक है, अभी से काम शुरू कर देता हूं। यह अहम आंदोलन है, दारू चढ़ाई तो एक पड़ेगी। यह आंदोलन सिर्फ धारावी के लोगों का नहीं है, सारे झोपड़पट्टी का आंदोलन है। हर जगह टेंट लगा, खाने का इंतजाम करो, खाना बनाना सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। Yes, I've been hearing about it. Okay, what do you think about that? I think 60% of them are criminals. हम धारावी में पले बड़े हैं, अब बोलोगे कि वो जमीन हमारी नहीं है तो हम आंदोलन करेंगे। Thank you.
कितना हराम फेंका इन्होंने, तुम में से एक को काटे बिना नहीं जाऊंगा। हम कितना भी साथ रह लिए, तूने भी आपत्ति दिखाई दी ना, तुम लोगों को पहले ही भगा देना चाहिए था। बेकार की बात करेगा तो यही काट डालूंगा। ये लो पकड़ो इसे, पकड़ो मारो, काट डालो मारो, काट डालो एक दूसरे को, देखा ना काट डालो। कहा तो मेरे लोगों में से एक भी आगे नहीं आए। यहाँ शंकर का भाई रहीम, गणेश का जीजा अब्दुल है, आप सब मिलजुल कर रहते हैं, तू हमारी एकता को तोड़ नहीं सकता। तुम लोग हरी दादा के कुत्ते हो, भगाओ इन सबको। तेरी चाल नहीं चली तो खुद ही चलाया, क्या बात है पाटिल, कुछ नहीं कर पाया सोच के दिमाग फट रहा है। यमराज के चबूतरे पे बैठ के उन्हीं के सर से जू निकालेगा, तेरी दालियाँ नहीं गलेगी। निकल तेरी तो एक इतना सारा भोग चढ़ाया, कमी है तो सिर्फ उसके सर की, ले आओ वो भी चढ़ा देते हैं। राक्षस राज के विनाश की घड़ी आ गई है, राक्षस राज के विनाश की घड़ी आ गई है। बड़ा लाल सुन लोगों को पहला हो सुन, क्या बात है, कुछ नहीं पापा बस ऐसे ही बात कर रहे हैं।
से युद्ध चलता रहा। जैसे ही राजा रामचंद्र जी ने अस्त्र उठाया, जन जानव जीव राशि सारी सृष्टि कांप उठी।
अस्त्र रावण के आर पार गया और जमीन में धस गया। बोलो श्री अमर रामचंद्र की। रावण के हृदय को बीचों बीच वेदने के बाद वो दिव्य प्रकाशमान बाण उसके शरीर के बाहर होकर रावण की पापात्मा को अपने साथ लिए धरती की गहराइयों में विलीन हो गया। जान जोखिम में डालकर रिकॉर्ड किए गए वीडियोस में पुलिस ने ही इस दंगे को पैदा किया और लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है, ये साफ नजर आता है। इस आरोप के जांच के कारण धारावी के सुरक्षा पर नियुक्त प्रशासन अधिकारी पंकज पाटिल को हिरासत में ले लिया गया है। धारावी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले काला उर्फ करी कालन की दंगे के दौरान आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई, ये पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन इस बारे में धारावी के लोगों से जब पूछा जा रहा है, अरे गधे क्या ये डीसी से बात कर रहा है? आज सवेरे ही तो काला कुत्ते मंदिर में बैठा था, चल भाग यहाँ से, करिकालन मर नहीं सकता, चल जा। यीशु को भी क्रॉस पे चढ़ाया था लेकिन तीसरे दिन वापस आ गए थे। काला को ठोकने वाला अभी तक कोई आप पैदा ही नहीं हुआ। ये काला का किला है, एक पड़ेगी। काला मर गए हैं या नहीं ये सवाल लोगों के दिलों में है ही नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद सरकार की सहमति से अपने पूरे अधिकारों का इस्तेमाल करके हरिदेव अभ्यंकर प्योर मुंबई योजना को धारावी में लागू करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। उसके पहले भूमि पूजन के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। इससे लोगों के बीच बहुत सारे सवाल और कन्फ्यूजन पैदा हो गयी है। Ikadu marase mujayudama, ah, ab
जमीन हमारा हक है। जितने ये सभी आसमान वो सफर जिसका नाम हो खात्मा निकलू मरस से सरकार ने उस जमीन के अधिग्रहण का कार्य अब त्याग दिया है। काला के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में लोगों को सिर्फ उनकी जमीन ही नहीं बल्कि उनका इतिहास भी वापस मिला है। शहरों की झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए यह आंदोलन एक प्रतीक बन चुका है। देश के कोने कोने में झोपड़पट्टियों में रह रहे लोगों ने एक होकर काला के जमीन हमारा हक है नारे के साथ अपना संगठन बनाया है।